ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, ऐसा सभी बोलते हैं, पर ये सच में मनोरंजन के लिए है। से लीजिए सुन लगे। भाई क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं। ये मतलब क्या? नहीं कुछ तेरे नहीं। पापा जी को दिखाऊंगा भाई। पापा जी नहीं। डैडी जी नहीं प्लीज। भाई नहीं, पापा जी नहीं भाई। भाई क्यों दिख रहा है यार? तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की उस टिकटॉकर के बारे में जिसको देखकर हम जैसे शरीफों का दिन और ठरकी लोगों की रात कट जाती है। मैं 2 मिनट में आया। 2 hours later. सोशल मीडिया की महामारी से पीड़ित एक महिला जिनका नाम है आयशा कुमारी, और इनके टैलेंट से बना के रखिए कृपया आप 2 गज की दूरी, क्योंकि मास्क है जरूरी। जरूरी था। May I kill you? Sorry. तो इनके टैलेंट से कृपया आप लोग बना के रखिए 2 गज की दूरी, क्योंकि इससे हो सकती है आप लोगों को मर्दाना कमजोरी। मेरे को क्या, फिर खाते रहना बंगाली बाबा का चूरन जिंदगी भर। फेम के इन चक्रों ने कर दिया है लड़कियों को फीका, बना के रख दिया है इंस्टाग्राम और यूट्यूब को नटखट अमरीका, और कर दिया है हमारी कच्चे बादाम वाली दीदी को थोड़ा सा धीमा। तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारी वीडियो में। जो जितना गंद मचाएगा घटिया कंटेंट बनाएगा वो उतनी बार अपने आप को मेरी ही वीडियो में पाएगा। मुझे बहुत टाइम से इंस्टा खोलते ही चक्कर आने लगे थे, यहाँ तक कि मेरे सपनों में भी मेरा दिल ये पुकारे आने लगा। और मुझे 20 तारीख से मैसेज आ रहे थे कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ। लेकिन मैंने क्या कि यार चल छोड़, क्या है क्यूट लड़की के ऊपर वीडियो बनानी, क्या उसको रोस्ट करना। लेकिन इसकी माड़ी किस्मत, इसकी ये वीडियो मेरे सामने पड़ गई। जो लड़का खड़ा है ना, इसके मुंह पे जाके तेजाब फेंको। ये तो मेरा दोस्त अबू बकर खड़ा है, मैं कैसे फेंकूं इस पर? अगर मेरा यकीन जीतना चाहते हो तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खैर है हाशिम, ऐसे काम क्यों रहा है? देखो तुम्हारा दोस्त तुम पे तेजाब फेंक रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? ये क्या हरकत कर रहा था? मैं कहती थी ना, ये तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। इसकी ये वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि हाँ भाई, बचपन में हमारी मम्मी सही कहा करती थी कि बिल्ली आंखों वाली लड़कियों और लड़कों से 2 कदम दूरी चलना चाहिए। अब ना पानी सर के ऊपर जा चुका है। नहीं, पानी सर के ऊपर नहीं जा चुका, सर पानी के अंदर जा चुका है। इसलिए अब मुझे एक कठिन फैसला लेना ही पड़ा कि इसके टैलेंट को ब्लर करके इसके रोस्ट पे ज्यादा फोकस करूं। इससे आप भी खुश, मैं भी खुश, और इसकी फ्री में प्रमोशन हो जाएगी, ये भी खुश। लेकिन ठरकियों का कुछ नहीं कह सकते। 10 दिनों से पक गए हैं सुनते सुनते कि मेरा दिल ये पुकारे आजा 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 आजा। अबे नहीं जाना। अब भाई तुम सख्त लोंडे भूल गए हो क्या? ये चीज बुलाती है मगर जाने का नहीं, मतलब अपनी मर्यादा को भूल गए हो क्या? और अब हर गलियों की एक एक गली से एक एक चौबारे से निकलकर निब्बियां इस गाने पर वीडियो बनाएंगी और जाकर इंस्टाग्राम पे हगेंगी। लेकिन एक सेकेंड, हग भी दिया? अबे नहीं, मतलब ऐसा क्या देख लिया इसकी वीडियो के अंदर? ना कोई टैलेंट, ना कोई अच्छा डांस ना। और इसने इंटरव्यू में बताया कि मैं भी, मैंने ये सीख रही थी, मैंने ऐसे ठुमके मटका दिए। अबे इससे अच्छा तो मेंढक डांस कर लेता है। तुम लोग पाकिस्तानी पे मरे जा रहे हो? अबे हमारे देश में सुंदर लड़कियों की कमी है क्या? और हाँ, इसकी भी वीडियो देख देख के हमारी यूथ खराब होती जा रही है। जरा सा थोड़ा सा इधर भी नजर डाल लो प्लीज, मेरी एक मदद कर दीजिए प्लीज। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर नहीं किया ना फिर हम बहुत बुरा मानेंगे। गाइस प्लीज, मुझे कोई बहुत प्यारा सा 16 साल नहीं 18 साल आ जानो 18 साल से 24 साल तक का कोई करारा मर्द दिला दो। अबे भेसड़ी के बाबा सिर के मरीज, अगर एक जवान मर्द ने छाती पे थप्पड़ भी मार दिया ना, साले 2 दिन तक मुत्ता नजर आएगा। तो भाइयों बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ तक वीडियो बनाते बनाते मेरे दिमाग का भाजीपाला हो चुका है, और मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान वाले दोबारा से गोली बारूद की बातें करने लग जाए मेरी इस वीडियो को देखकर। और क्या पता इस वीडियो को, वीडियो मेरी वायरल हो जाए और फिर आयशा कुमारी से मेरा मीटअप ही हो जाए, फिर उसके साथ में करेंगे। और हाँ जरूरी बात, तो भाई जो लोग वीडियो को पूरी देखे बिना स्टार्टिंग के अंदर कमेंट के अंदर हगने लग जाते हैं ना, तो प्लीज उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि स्टार्टिंग में मत हगो, क्योंकि मेरी वीडियो के लास्ट में ही तगड़ी चीज होती है। मतलब मैं सब कुछ रिवील लास्ट वीडियो के लास्ट में ही करता हूँ, तो वीडियो को स्टार्टिंग में देख के वीडियो में हगना बंद करो, लास्ट तक देखो, समझो कि क्या कहना चाह रहा हूँ,
किसके लिए वीडियो थी, किसके लिए नहीं थी, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं थी, जस्ट फॉर फन मजाक के लिए वीडियो बनाई थी। और तो इसलिए जो थोड़े साइको बंदे आए पड़े हैं ना हमारे कुछ सब्सक्राइबर की लिस्ट में, जो उल्टे सीधे कमेंट हक के चले जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये छोटी सी बात थी कि वीडियो पूरी एंड तक देखे करो। तो गाइज ये वीडियो सिर्फ एक पाकिस्तानी लड़की के लिए थी जो रातों रात वायरल हो गई। रातों रात क्या हुई, मतलब घंटों मिनटों में वायरल हो गई। और इसके वायरल होने पे कुछ और भी निबियां आती जा रही हैं, जो वो साड़ी पहनकर आती है, वो अरे आजा पता नहीं क्या क्या दिखा देती है वो, तो लोग वायरल होती जा रही है। लेकिन हम लड़कों का क्या, ये तो नाइंसाफी हो रही है ना हमारे साथ। हम चाहे जितना मर्जी कुछ भी कर ले, उल्टा सही दिख रही है, हाँ तो हम कुछ भी कर ले लेकिन हम कभी वायरल नहीं होंगे। बस ये लड़कियां कुछ भी करते वायरल हो जाएगी, तो यार ये नाइंसाफी मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर ऐसे चलता रहेगा तो फिर हमारा YouTube से नाता टूट जाएगा। सुबह देखिए पाकिस्तानी लड़की थी जिसकी हमने वीडियो बनाई, आप लोगों को अगर ना पता दुनिया को पता होगा पूरी, क्योंकि हर तरफ आजा आजा कर रही है। तो यार लेकिन वैसे एक बात है, बंटवारे में हमने बहुत कुछ गवा दिया यार, मतलब बहुत कुछ गवा दिया। चलो कोई नहीं, आयशा जी आप ऐसे वीडियो बनाती रहो, हमारे लिए नए नए कंटेंट लाती रहो, हम आपकी वीडियो देखते रहेंगे, आप हमें कॉन्टेक्ट देते रहिए, कॉन्टेक्ट नहीं कॉन्टेंट। और हाँ 2 रुपए की चवन्नी देखे ना अपना, वो मास्क का दांत जरा ठीक करा लेना अगर मेरी वीडियो देख रहे हो। वैसे तो वीडियो पहुंचेगी नहीं वहां तक, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन अगर बाई द चांस पहुंच भी गई तो चवन्नी देखे मास्क का दांत ठीक करवा लेना। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस वीडियो यहीं तक थी। हमारे खुद के बनाए स्टूडियो के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, बड़ी मुश्किल से बना, रात के 2:29 हो रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट कर देना बढ़िया बढ़िया सी, क्योंकि मेरी रोस्टिंग वीडियो तगड़े मतलब माइक को एक से लगा के पहली वीडियो थी। तो आप लोग अगर प्यार सपोर्ट दिखाएंगे तो आप लोगों को और भी ज्यादा वीडियोस लेकर आऊंगा, ठीक है। और हम बहुत जल्द गेमिंग चैनल भी स्टार्ट कर रहे हैं, हम गेमिंग कर रही भी शुरू करेंगे, क्योंकि सेटअप वेटअप ऑलमोस्ट हमारा बन चुका है। तो बस वीडियो को ऐसे ही प्यार दिखा देना अच्छे से, मतलब दबा के शेयर मार देना वीडियो को, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो बनी है, थक गया बहुत लिख लिख के, रात हुई पड़ी है। अब यहाँ से जाएंगे दूसरे वाले घर पे, वहां पर जाके सोएंगे, अब ये सेटअप वेटअप बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने वीडियो देखी, टच किया और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और ऐसे और भी ज्यादा प्यार बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, फ्री बटन है, पैसों वैसों का बटन नहीं है। और हाँ हमारे इस डेकोरेशन में हमारे भाई का भी थोड़ा सा हाथ है पूरा, अबे इसका हाथ है बस ये नहीं है, है ना। तो प्लीज हम लोगों को सब्सक्राइब करना, प्यार दिखाना बहुत सारा। अभी के लिए चलते हैं, गुड नाइट, लव जूस, सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहिए, दिल से आमिर। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो